सुप्रभात। समाचार के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शम्मी नारंग। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड चुनाव के लिए जारी करेंगे भाजपा का संकल्प पत्र। 3 रैलियां कर विरोधियों को देंगे चुनौती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का दौरा। द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। भारत ने गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के आरोपों को किया खारिज। उच्च आयोग के अधिकारी को तलब कर कहा, गैर जिम्मेदाराना हरकतों से संबंध होंगे खराब। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। और रोमांचक दौर में पहुंचा मुंबई टेस्ट। 3रे दिन न्यूजीलैंड आज दूसरी पारी में 9 विकेट पर 171 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। टर्निंग पिच पर भारत पर न्यूजीलैंड को 143 रन की बढ़त। और ये था हमारे दर्शकों के लिए खास सरप्राइज। आज 3 नवंबर है और आज है डीडी न्यूज का स्थापना दिवस। आज से 21 वर्ष पूर्व 2003 में आज ही के दिन डीडी न्यूज को 24/7 चैनल के रूप में लॉन्च किया गया था। तो सभी दर्शकों को डीडी न्यूज स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ इस उज्जवल सुप्रभात में आप सबका इस विशेष बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। और उससे पहले के दूरदर्शन के समाचार प्रसारण के दौर को जीवंत करने के प्रयास के अंतर्गत आज हमारे दिन के पहले बुलेटिन का आरंभ उनके साथ जो उस दौर में दूरदर्शन समाचार का चेहरा होते थे और आज हम उन्हें मेट्रो आवाज के रूप में भी पहचानते हैं। शम्मी नारंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और आपके साथ हमने जब दिन की शुरुआत की तो जाहिर है कि दशकों के बाद आप इस तरीके से टेलीप्रॉम्प्टर के आगे बैठकर न्यूज पढ़ रहे हैं, वो भी लाइव न्यूज। जी, कैसा था एहसास? ममता, ख्याल कीजिए इस बात का कि 22 साल के बाद कोई लड़की शादी के बाद अपने मायके आए तो उसे कैसा फील होता होगा। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, वैसी खुशी हो रही है। और तमाम लाइटों को देखकर, कैमरास को देखकर और आज के युग के आप जैसे खूबसूरत समाचार वाचकों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन शमी जी, कहीं आपको जब आप आज समाचार पढ़ रहे थे आप, तो कहीं आपको लग रहा था, वो याद आ रहा था वो पहला बुलेटिन जब आप दूरदर्शन पर समाचार पढ़ जी हाँ, देखिए वो नॉस्टैल्जिया तो पूरा उभर कर सामने आ ही जाता है कि आप इतनी मुद्दत के बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब सच पूछिए तो आज भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं था उस पहले बुलेटिन से, क्योंकि उस वक्त भी थोड़ी टांगों में कंपन हो रही थी और 22 साल आज पढ़ने के बाद फिर हो रही है थोड़ी सी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने इंसाफ किया होगा। जी हाँ, उस वक्त क्या था कि 2-3 चीज़ें होती थी, शायद बहुत ज़्यादा मतलब एक दौर ऐसा था जहाँ दूरदर्शन अपने आप में आज भी वैसे तो मतलब किसी फिल्मी दुनिया से या फिल्मी स्टार से कम नहीं होते थे हमारे लिए उस जमाने के समाचार वाचक। तो लगता था कि इतने दिग्गजों के बीच में मतलब हम लोगों का जो पूरा वो है वो कैसा रहेगा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, अनुभव कैसा रहेगा, क्या हम न्याय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब आप लोगों के चुनाव के सामने। ठीक रहा, अच्छा रहा, लेकिन जब पहला बुलेटिन पड़ा तो मतलब ठीक ही गया, कोई ज़्यादा उसमें कोई त्रुटियां नहीं थी, गलती नहीं थी, थोड़ा सा स्मूथ ही था मतलब। तो समझ सकते हैं कि वो अनुभव, जब मुझे लगता है कि जब आप पहली बार कैमरा फेस करते हैं तब बहुत खास होता है, ज़िंदगी भर याद रहता है। और ये हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है जब शमी जी हमारे बीच यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हैं। और उस दौर के पुराने समाचार एंकर्स की अपनी गरिमा, एक अपनी शालीनता होती थी, आज भी हमारे जहन में वो तरोताज़ा हैं। तो आइए उस दौर और आज के दौर पर डालते हैं एक नज़र। जी,
दूरदर्शन भारत के मीडिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय, देश की पहली टेलीविजन सेवा जिसमें जब समाचार सेवा आरंभ हुई तो समाचार वाचकों ने नई परंपरा स्थापित करते हुए अपने अद्वितीय अंदाज और आवाज से लाखों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, जो आज भी दर्शकों के जहन में तरोताजा है। 1970 के दशक से ही दूरदर्शन के समाचार प्रसारण का दर्शक इंतजार करते थे। Good evening, the headlines. Brisk to moderate polling is reported in the Nagaland Assembly next. सलमा सुल्तान, शोभना जगदीश, रिनी साइमन, सुनीत टंडन, सरला माहेश्वरी जैसे समाचार वाचक जब समाचार पढ़ते थे तो लगता था मानो केवल खबरें नहीं बल्कि देश की धड़कन बयां कर रहे हैं। आसपास कुछ इलाकों को छोड़कर सारे शहर से कर्फ्यू समाप्त। पेशेवर अंदाज, आत्मविश्वास से सजी सजीव और प्रभावशाली प्रस्तुति से दर्शक पूरी तरह से जुड़ जाते थे। वक्त बदला, सदी बदली और 3 नवंबर 2003 को दूरदर्शन समाचार को विस्तार मिला और डीडी न्यूज चैनल 24 घंटे के समाचार चैनल के रूप में लॉन्च किया गया। नए दौर में तकनीकी प्रगति ने न्यूज एंकरिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। 20वीं सदी के समाचार वाचक 21वीं सदी की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनकी विरासत को नए दौर के न्यूज एंकर्स, परंपरा और नवाचार, आधुनिक तकनीक और नवीन दृष्टिकोण के साथ साथ नई ताजगी, नई ऊर्जा के सामंजस्य से और समृद्ध बना रहे हैं। पारंपरिक टेलीविजन से आगे आज के डिजिटल युग में डीडी न्यूज सोशल मीडिया, मोबाइल एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहा है। डीडी न्यूज हमेशा की तरह आज भी दे रहा है सटीक और विश्वसनीय समाचार। इसी का परिणाम है कि डीडी न्यूज नेटवर्क बन गया है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। तो ये था उस दौर और आज के दौर के एंकर्स पर एक नजर। और हमारे साथ शमी जी यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं ही। शमी जी, हमने अभी दिखाया रूप रंग बदल रहा है, डीडी न्यूज ने भी बहुत चेंज अपने आप में समाहित किया है। आप भी जब इस तरीके से आज डीडी न्यूज देखते हैं तो क्या एहसास होता है? नहीं, एहसास तो ये होता है कि काश ये इतना प्रोफेशनलिज्म हमारे ज़माने में भी होता। वैसे वो था उस वक्त भी, लेकिन टेक्नोलॉजी का कमाल, HD की ट्रांसमिशंस और ये तमाम चीज़ें बहुत मिस करते हैं हम लोग। और लेकिन जितनी भी सीमित टेक्नोलॉजी उस वक्त की होती थी उसमें भी कोशिश करते थे अपनी तरफ से कि हम मतलब बेस्ट परोसें, है ना। तो और उसमें कुछ हद तक कामयाब भी रहे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे आज भी दूरदर्शन की जो विश्वसनीयता है, सबसे अच्छा यही लगता है कि उसको कायम जो रखा हुआ है सबने, तो हमें गर्व होता है कि हमारा नाता भी ऐसी ही संस्था के साथ रहा, है ना। तो दूरदर्शन को टेलीविज़न चैनल कहना तो बहुत छोटा होगा, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, है ना। तो उस इंस्टीट्यूशन का जब हिस्सा बने तो सिर्फ हम लोग दर्शक के साथ कनेक्ट ही नहीं बनाते थे, बल्कि जब दर्शक देखने के लिए अपने बच्चों को ये कहते थे कि अगर आपने अपनी भाषा में सुधार करना है, प्रोफेशनलिज्म लाना है, परफेक्शनिस्ट बनना है, तो आप इन लोगों को सुनिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आज भी, आज के युग में भी और आज की पीढ़ी को भी माँ बाप या टीचर्स या गुरु लोग यही कहते हैं आप लोगों को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी प्यारी बातें कही हैं आपने जिससे हमारा भी उत्साह वर्धन हो रहा है। लेकिन आज जब हम डीडी न्यूज की बात करते हैं तो आज हमने बहुत तरह के प्रोग्राम्स भी रखे हैं और 2003 में ये 24/7 चैनल हो गया था जी। और हमने बहुत प्रयास किए हैं कि हम डीडी न्यूज को नए रंग में, नए दौर के साथ, परंपराओं के साथ, नवाचार के साथ जोड़कर प्रस्तुत करें। कहीं एहसास होता है एक दर्शक के रूप में जब आप डीडी न्यूज को देखते हैं या फिर आप जब पुराने एंकर्स इकट्ठे होते हैं, कभी बातचीत होती है, तो कभी कोई ऐसे एहसास जो आप लोग साझा करते हैं? सिर्फ अपने सहयोगियों के साथ ही नहीं बल्कि दर्शकों के साथ भी जब हम मिलते हैं, सहयोगियों के साथ तो होती ही है बात की यार वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम इस संस्थान का हिस्सा रहे हैं। और आज जब लोग आपसे मिलते हैं तो इतनी खुशी होती है कि सबसे पहले हमारा चेहरा देखते ही उस दौर को याद किया जाता है जी। है ना। तो इसका सारा श्रेय दूरदर्शन न्यूज़ को ही जाता है।
2003 को आज ही के दिन भारत में न्यूज प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब देश के एकमात्र स्थलीय सह उपग्रह समाचार चैनल डीडी न्यूज ने अपने सफर की शुरुआत की। अपनी स्थापना के बाद से ही समाचार के क्षेत्र में पहले से मौजूद तमाम निजी चैनलों को कड़ी टक्कर देते हुए डीडी न्यूज संतुलित, निष्पक्ष और सटीक समाचार देने की अपनी महती जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए समाचार की दुनिया में 21 सालों से अपना परचम लहरा रहा है। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम, यही है रिश्ता आपका हमारा। डीडी न्यूज के शानदार और यादगार सफर के 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। अपने इस ऐतिहासिक सफर के दौरान डीडी न्यूज ने एक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक के रूप में नैतिकता, निष्ठा और निष्पक्षता का दामन कभी नहीं छोड़ा। खबरों को बिना सनसनीखेज बनाए पूरी सच्चाई के साथ दर्शकों तक पहुंचाना डीडी न्यूज का ध्येय रहा है। यही वजह है कि डीडी न्यूज को जहां दर्शकों का अथाह प्यार मिला, वहीं उनका भरोसा और विश्वास भी इस पर लगातार बढ़ता गया। इसका प्रमाण है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट 2022 और CSDS का सर्वे, जिसमें डीडी न्यूज को देश का सबसे भरोसेमंद समाचार चैनल बताया गया। 3 नवंबर 2003 को डीडी मेट्रो चैनल को 24 घंटे के समाचार चैनल में बदलकर डीडी न्यूज को लॉन्च किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही अपने फलक को लगातार विस्तार देते हुए डीडी न्यूज समाचार प्रसारण के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्तमान में डीडी न्यूज 4 भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। इनमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत और सांकेतिक भाषाओं में समाचार शामिल है। न्यूज बुलेटिन और प्राइम टाइम शो के अलावा डीडी न्यूज खेल, स्वास्थ्य, सिनेमा, कला और संस्कृति समेत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर करंट अफेयर्स शो के साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर स्पेशल प्रोग्राम भी प्रसारित करता है। डीडी न्यूज समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण अवसरों और विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान ग्राउंड जीरो से विशेष डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन और प्रसारण भी करता है। गणतंत्र दिवस परेड या स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण हो, या देश के संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों और संस्थानों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या चुनाव आयोग की कवरेज, डीडी न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इस दायित्व को भी बखूबी अंजाम देता है। खबरों में सच्चाई, विविधता और पत्रकारिता के उच्च नैतिक मानदंड को कायम रखते हुए डीडी न्यूज पिछले 21 वर्षों से न केवल जनता के उम्मीदों पर खरा उतरा है, बल्कि उनका भरोसा और विश्वास जीतने में भी सफल रहा है। डीडी न्यूज की यही खासियत उसे तमाम निजी समाचार चैनलों से अलग और विशेष बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त के साथ कदम ताल करते हुए डीडी न्यूज अपने स्थापना वर्ष के बाद अब 21 वर्षों में बहुत बड़ा एक सफर तय कर चुका है। शमी नारंग हमारे साथ बने हुए हैं। शमी जी, आपने तो दशकों पहले के दूरदर्शन में समाचारों को देखा, आज के डीडी न्यूज को लेकर कोई आपके फेवरेट प्रोग्राम्स हैं जो आप डीडी न्यूज पर देखते हैं और जो आपको लगता है कि बेहतर काम करते हैं? वैसे तो देखिए, हर माँ बाप को अपने सभी बच्चे अच्छे लगते हैं, तो आपके तमाम प्रोग्राम, स्पेशली पैनल डिस्कशंस जो होते हैं, वो तो बहुत ही कमाल के होते हैं। मुझे याद है चर्चा में मैं बहुत ही उसका जिम्मेदार और यू नो लॉयल उसका एक दर्शक था, जरूर देखा करता था। और आपके एनालिसिस जो आप विश्लेषण करते हैं, आप लोग चाहे वो खेल से संबंधित हो, राजनीतिक हो, देश की समस्याओं के ऊपर हो, चाहे इंटरनेशनल हो, मैं तमाम चीज़ें देखता हूं। और सबसे पहले मैं ही नहीं, बच्चों को भी कहता हूं कि यार देखो, अब ये बहुत हो गया इधर उधर झांकना। अगर तुम जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हो, सीरियस रहना चाहते हो, ये नहीं कि मेरा जुड़ाव रहा है दूरदर्शन से इसलिए, लेकिन एक सकारात्मक सोच के लिए दूरदर्शन ज़रूर देखिए, ये मैं कहता रहता हूँ। ना सिर्फ बच्चों को, बल्कि कुछ लोग मिलते भी हैं तो कई लोग कहेंगे आपको देखते थे, मैंने कहा नहीं, देखते थे मुझे छोड़िए,
दूरदर्शन को देखते रहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप ये मानते हैं क्या, क्योंकि ये इस बात की सराहना सब कोई करते हैं कि जो काबिलियत दूरदर्शन में और डीडी न्यूज़ में है, जब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी इवेंट्स की, चाहे हम गणतंत्र दिवस की बात करें या हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें या फिर इस तरीके के बड़े बड़े आयोजन, उन आयोजनों में आज भी हमारे कैमरामैन, हमारे टेक्नीशियंस, जो हमारे रिसोर्सेज हैं और जिस तरीके से हम देश दुनिया को दिखाते हैं, वो कोई सानी नहीं है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी गणतंत्र दिवस के परेड ही देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि किसी में इतना दम होगा कि इतने सारे कैमरों के साथ उसका मतलब एक कोऑर्डिनेशन करके और पूरी दुनिया को दिखा देना हिंदुस्तान की वो झलक है ना, और एक मतलब आप उस दिन एक खूबसूरत आईना पेश कर देते हैं संसार के सामने जी। तो वो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू माय टेक्निकल टीम आल्सो, मतलब कमाल है इसका सानी, मतलब इसको सिर्फ हम लोग ही नहीं मानते, मैं पूरी दुनिया घूमा, हर देश में जब हिंदुस्तान का ये खासकर गणतंत्र दिवस की परेड देखी जाती है तो कहते हैं कि आप लोग मैनेज कैसे करते हैं। सो आई सेड बॉस क्रेडिट गिवन टू यू नो, वो पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, इसका श्रेय सबको देना चाहिए। और याद से नहीं हम लोग कर रहे, हम तब से कर रहे हैं जब बहुत कम कैमरा हुआ करते थे, ओबी वैन्स बहुत कम होती थी, उसके बावजूद मतलब लोग तब भी हैरान होते थे और आज तो माशाल्लाह बहुत ही हैरान होते हैं इसको देखकर। जी, मतलब एक सार्वजनिक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन डीडी न्यूज़ अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहा है, और ऐसे में शमी जी, आप जैसे जो समाचार वाचक होते थे वो भी हमें, आज की हमारी पीढ़ी को भी प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। नवाजिशा, थैंक यू सो मच। हमें अच्छा लगता है, ये सोच के अच्छा लगता है कि चलिए जो गुरुओं की मार हमने खाई या जो उनसे सीखा और जिस परफेक्शन को लेकर चले, एक समाचार वाचन का के साथ जो न्याय करना होता है उसे सीखा, चाहे वो उच्चारण की बात हो, आपके लहजे की बात हो, आपकी पंक्चुएशन की बात हो, पॉजेस की बात हो, ये सब जो हमारे गुरुओं ने यहाँ पर हमें सिखाई वो आज भी उस वो कायम है जी। उसे आप लोग अपना रहे हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो हमारा तमाम सीनियर न्यूज़ रीडर्स का बहुत बहुत आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि आज के इस सुबह को, आज के दूरदर्शन के स्थापना दिवस को, डीडी न्यूज़ के स्थापना दिवस को विशेष बनाने का हमारा ये प्रयास आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। शमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकाल कर हमारे बीच आने के लिए। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूँ कि आप हम उस सुनहरे दौर के न्यूज़ रीडर्स से रूबरू हो सकते हैं अब से कुछ ही देर बाद 8 बजे। तो बस मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। On the occasion of DD News's Foundation Day, I wish it a fabulous journey ahead. DD News ko apne sthapna divas ke avsar par bahut bahut shubhkamnaen. Congratulations DD News on your incredible trailblazing journey. Doordarshan ne ek parivar ko kayam kiya aur us parivar ka naam hai Bharat. Apne aap ko saubhagyashali samajhta hu ki main iska hissa raha. Many congratulations to Doordarshan News. Serious news, authentic news. Watch DD News. That's the news I believe in. कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहु की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। और डीडी न्यूज़ में आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड का सियासी रण जीतने के लिए सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी पार्टी, सभी ने अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में राज्य में नेताओं की चुनावी रैलियों का सिलसिला तेज हो चुका है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे।
इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। दरअसल बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए पहले ही पंच प्रण जारी कर चुकी है, जिसमें 5 वायदे किए गए हैं। माना जा रहा है कि संकल्प पत्र भी इसी पंच प्रण के इर्द गिर्द वायदे करता दिखेगा। इसके बाद अमित शाह आज 3 चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। अमित शाह सिमरिया, बरकट्ठा और घाटशिला में जनसभा करेंगे। इन तीनों ही जगहों पर वो जनता से भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के 4th वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। वे कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्री स्तरीय रूपरेखा संवाद की 15वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन में 2nd रायसीना डाउन अंडर के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के 2nd चरण में डॉक्टर जयशंकर 8 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। वहां के आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क के 8वें गोलमेज सम्मेलन को वे संबोधित करेंगे। साथ ही वे सिंगापुर के नेतृत्व से मिलकर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के लिए रास्ते तलाशेंगे। कनाडा के मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति और नाराजगी जताई है। भारत ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्री पर कैनेडियन मंत्री मॉरिसन की टिप्पणियां बेबुनियाद हैं। उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अंतिम दौर के प्रचार के लिए नॉर्थ कैरोलिना पहुंचे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में कहा कि वे ट्रंप की तरह नहीं हैं, जो असहमत होने पर लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं। साथ ही रैली में कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप पूरे देश में गर्भपात पर प्रतिबंध लगा देंगे और जन्म नियंत्रण तक पहुंच को सीमित कर देंगे। वहीं ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना के गेस्टोनिया की रैली में आव्रजन और सीमा सुरक्षा के अपने मुद्दे पर अड़े रहे और चेतावनी दी कि अगर वे निर्वाचित हुए तो लाखों अप्रवासियों को निर्वासित कर देंगे। खबर खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा मुंबई टेस्ट रोमांचक दौर में पहुंच गया है। आज 3rd दिन न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 171 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। न्यूजीलैंड को अब तक टर्निंग पिच पर 143 रनों की बढ़त है। भारत को जहां 1 विकेट की दरकार है, तो वहीं न्यूजीलैंड भारत को देने वाले लक्ष्य को ज्यादा से ज्यादा करना चाहेगा। न्यूजीलैंड 3 टेस्ट मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले रखा है। भारत की कोशिश अंतिम टेस्ट जीतने की होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।